दर्शकों, इस वक्त अगर आप चिकन खा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए ठहर जाइएगा, क्योंकि आधे घंटे से भी कम समय के भीतर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे चिकन हानिकारक है और आपके जीवन का समय भी बढ़ जाएगा। दर्शकों, एक गाना थोड़े दिनों पहले, एक फिल्म थी मशहूर, उसमें हम सभी ने सुना था कि हर मर्ज का इलाज चिकन कुकड़ुकू। लेकिन आपको बता दूं कि हर मर्ज का इलाज नहीं, बल्कि ये तो मर्ज बन गया है। इसलिए क्योंकि आपको बताते चले, दिल्ली, नोएडा, आसपास के इलाकों में अब चिकन हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, ये पूरी बात आपको बताएंगे, एक पैकेज भी आपको दिखाएंगे, रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे कि जो चिकन आप खा रहे हैं वो आपको कमजोर कर रहा है। जिस चिकन को दरअसल आप इसलिए खा रहे हैं कि ये चिकन मजबूत भोजन है, वो दरअसल आपको कमजोर कर रहा है। आज के वक्त में बाजार में बिकने वाला चिकन दरअसल वो चिकन नहीं जो आप सोच रहे हैं, जो आपको बताया जाता है हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इस चिकन के कितने फायदे हैं। इस चिकन के फायदे नहीं बल्कि घाटे हैं, और क्यों घाटे हैं ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि आपके हेल्थ के लिए जो घाटा है वो दरअसल पोल्ट्री फार्म वालों के लिए बढ़त है। इस पूरे घाटे और बढ़त का जो डाटा है वो भी आपको दिखाएंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे। बस अगले आधे घंटे तक आपको हमारे साथ बने रहना होगा। आज की रिपोर्ट से हम ये साबित करेंगे कि किस तरीके से चिकन आपके लिए हानिकारक हो चुका है और कैसे कुछ लोग फायदा उठाने के लिए आपकी सेहत के साथ किस कदर घाटा कर रहे हैं। तो चिकन जो कि सेहत के लिए किस कदर हानिकारक है, कितना हानिकारक है और किस वक्त तक हानिकारक है, और आपको ये क्यों तुरंत खाना छोड़ देना चाहिए, हर जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। पाषाण काल से लेकर आज तक एक ही सवाल है जो पूछा जा रहा है, और आइंस्टाइन से लेकर न्यूटन जैसे महान साइंटिस्टों के बीच से गुजरी दुनिया में भी ये जवाब नहीं मिल सका कि पहले मुर्गी आई या अंडा। इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब तलाशना आज की तारीख में बेहद जरूरी है। अगर आप चिकन खाते हैं तो ये भी सवाल कर लीजिएगा कि आपके चिकन ने क्या खाया था, कहीं एंटीबायोटिक दवाई खाकर तो बड़ा नहीं हुआ था आपकी थाली पर सजा हुआ ये चिकन। क्योंकि अगर आपका चिकन एंटीबायोटिक खाकर बड़ा हुआ होगा तो शंका है कि आपके अंदर भी ये एंटीबायोटिक चिकन के साथ पहुंच जाए। एग्रीकल्चर पर संसदीय स्थायी समिति की माने या सीएसई, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की, तो चिकन में एंटीबायोटिक की मौजूदगी मानव शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। बड़े रिसर्च सेंटरों से लेकर पोल्ट्री फार्म तक ऐसी रिपोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन जमीनी हाल ये है कि उम्र से पहले बड़े होने की होड़ अब इंसानों से होते हुए चिकन के बीच भी पहुंच चुकी है। हालांकि जिसका दोषी चिकन नहीं है बल्कि इंसान ही है। डिमांड और सप्लाई के पेच में फंसा चिकन डिमांड में तो कमांड बनाए हुए है, लेकिन सप्लाई में मार खा जाता है, जिसके लिए उसके मालिक द्वारा उसको इंजेक्शन भी लगाया जाता है। इंजेक्शन में एंटीबायोटिक होता है। अब अधजल गगरी छलकत जाए वाली जमात ये सवाल उठाए कि एंटीबायोटिक तो ठीक करता है, बीमारियों से बचाने के लिए होता है, तो उसका निगेटिव रोल क्या है? तो उनके लिए जवाब है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की वो रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि अगर हम फूड में एंटीबायोटिक रूटीन से मिसयूज करेंगे तो वो हमारे जाने बिना वो हमारे अंदर भी आ सकता है, और सबसे पहले वो उस चिकन के अंदर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बना सकता है जिसमें वो एंटीबायोटिक डाला गया। वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी हमारे अंदर आ सकता है। हम देख रहे हैं कि ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, वो ट्रीट नहीं हो पा रहा है, एंटीबायोटिक बदलना पड़ता है। लोग नॉर्मल इन्फेक्शन से प्रॉब्लम नहीं हो रही, सर्जरी से प्रॉब्लम नहीं हो रही, सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो जा रहा है, उससे दिक्कत हो रही है, वो ट्रीट नहीं हो पा रहा है, हॉस्पिटल स्टे बढ़ गया है। खुराना साहब एक्सपर्ट हैं, उनकी बातें सुनकर वेज वाले खुश हों, उससे पहले उनको पूरा सुनिए। बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक रेजिड्यू दोनों एनवायरनमेंट के थ्रू फूड चेन में और भी एंटर कर सकते हैं, जो चिकन नहीं भी खाता उनको भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जिन बैक्टीरिया की यहाँ बात हो रही है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुके हैं, ई कोलाई, के निमोनी, एस लेंटस। ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो चुके हैं और ये बैक्टीरिया आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकते हैं। ज्यादा कठिन शब्दों और बैक्टीरिया के नाम बताए बिना समझ जाइए कि कई दवाइयां बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता खो चुकी है।
जब दुनिया में विश्व युद्ध के हालात हैं, ऐसे में चिकन बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक गजब का लव ट्रायंगल बना रहे हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि अगर पोल्ट्री वाले सिर्फ साफ सफाई के मानकों का भी पालन कर लें तो एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं पोल्ट्री वालों का कहना है कि ये सब बातें बेकार हैं और इसलिए कही जा रही हैं ताकि यहाँ माहौल बनाया जा सके और विदेशी लोगों का चिकन खपाया जा सके। मेक इन इंडिया में भारत का चिकन ही चलना चाहिए, लेकिन मेक इन इंडिया का इंजेक्शन लगाने की आखिर जरूरत क्या है, इस पर भी सवाल होना चाहिए। कुछ साल पहले सरकार ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि ICAR हर्बल दवाइयों पर प्रयोग कर रहा है, जिसके चलते एंटीबायोटिक की जरूरत ही ना पड़े, ये ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर काम करेगी। लेकिन आज वो हर्बल दवाइयां कहाँ हैं पता नहीं, लेकिन ये सभी को पता है कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन हर पोल्ट्री फार्म में मौजूद है। तो ऐसे में आज के दौर में चिकन खाना कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसको लेकर आवाज की पड़ताल है और कार्यक्रम चल रहा है। तो आज जब तमाम मीडिया चैनल्स आपको युद्ध की खबरें बता रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल्स आपको चुनाव की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन इस बीच हम क्योंकि आवाज के कार्यक्रम में हमेशा ऐसे मुद्दों को लाते हैं जिन मुद्दों को कहीं ना कहीं जिन मुद्दों के जरिए आप पर किसी भी तरह का प्रभाव पड़ रहा हो, और अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो तो इनको आपके समक्ष लाना बेहद जरूरी है। ये मुद्दा बेहद गंभीर है और बेहद जरूरी भी है। इसके जरिए अगर हमारी कोशिश के जरिए अगर ऐसा हो सके कि जो लोग इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अगर कोशिश करें और ऐसे पोल्ट्री फार्म्स में जहां पर इन इंजेक्शंस को लगाया जाता है जल्दी बड़ा करने के चक्कर में, इन चिकन को शायद ये जल्दी बड़ी हो सके, इन हेन को ये जल्दी बड़े किए जा सकें, ये मुर्गे जिनको जल्दी बड़ा करने के लिए इंजेक्शंस का लगाया जाता है, और ये इंजेक्शंस जो कि एंटीबायोटिक हैं दरअसल रेजिस्टेंट हो जाते हैं बाकी और जो अन्य बैक्टीरिया हैं उनको लेकर, तो ऐसे में ये इंसानों को भी मानव को भी सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हैं। राहुल चतुर्वेदी साहब हैं, आप PhD केमिकल एंड आयुर्वेदा हैं, फाउंडर हैं आप अपोहन इंडिया के, और राहुल भार्गव जी हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं आप फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के। बहुत बहुत स्वागत है आप सर आप दोनों ही मेहमानों का। सबसे पहले तो मैं राहुल भार्गव जी के पास जाना चाहूँगा। राहुल भार्गव जी, हम आज के दौर में जी रहे हैं, आज के दौर में चिकन खाना बहुत ही आम है, बहुत ही नॉर्मल है, बीट लंच और बीट डिनर हर किसी की थाली में आजकल चिकन देखा जा सकता है, लेकिन हम लोग भी इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि पहले के चिकन का टेस्ट की बात करूं या आज के चिकन में टेस्ट में बात करें या उसके देखने के तरीके में बात करें, आजकल जो एंटीबायोटिक के ज़रिए चिकन को जल्दी से बड़ा करने के लिए उनको बेचने के लिए जो बेचा जा रहा है मार्केट में और लोग ला रहे हैं उसको बना रहे हैं, ये हेल्थ को कितना डिटेरियोरेट कर रहा है, कितना ख़राब कर रहा है, किस तरीके से ये नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है हेल्थ पे सर? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है। इसके लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि जो भी लाइफ स्टॉक होता है जिसमें चिकन है, मटन है और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में आजकल टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन प्लस एंटीबायोटिक्स का यूसेज होता है। इसका दो कारण होते हैं, एक उनको ज्यादा प्रोटीन कंटेंट बनाना उनका, और दूसरा जो बॉडी में उनके इन्फेक्शन है उसको कम करके हमारे को आगे उनको स्वस्थ समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है कि जब हम ये एंटीबायोटिक लगाते हैं तो ये सप्लाई चेन में एंटर करती है, फूड चेन में एंटर करती है, और इसी की वजह से शायद हमारा इन्फेक्शन रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है विश्व में, हमारे जिसमें हमने NDM भी पाया गया जिसमें क्लेबशिला ईकोलाई रेजिस्टेंट होते हैं। इसलिए ही सरकारें कोशिश कर रही हैं कि ये ओवर द काउंटर जो चीजें मिलती हैं इनको रोका जा सके। दूसरा है इशू ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन का, जो कि एक्सपेक्टेड लिमिट से ज्यादा या एडवर्स ड्रग इफेक्ट से ज्यादा होने की संभावना उसमें रहती है। अगर मान लीजिए इसकी मात्रा ज्यादा है, जैसे ईस्ट्रोजन दिया गया या प्रोजेस्टेरोन दिया गया जिससे उनकी मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाई गई या प्रोटीन कंटेंट बढ़ाया गया, वो हमारे को अफेक्ट करती है और हमारे कैंसरस और नॉन कैंसरस दोनों ही चीजों को अफेक्ट कर सकती है। तो इसीलिए हमको ये समझना जरूरी है, हमें संशोधन लाना जरूरी है, हमें ओवर द काउंटर जो दवाइयां मिलती हैं उनका सेवन जो है बहुत कॉमनली पॉलिट्री में यूज होता है उसको रोकना आवश्यक है। और ये भी देखा गया है कि ऑक्सीटोसिन जैसी दवाइयां जो जहां पे मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं जिन पशुओं से,
उन पे रोक लगाई गई है ताकि ये हमारी सप्लाई चेन में या फूड चेन में एंटर ना कर पाए। तो ये बहुत ही खतरनाक है और ये बात बताना सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी चिकन पे कि आपको या फूड प्रोडक्ट पे कि वो किस तरह से उगाया गया है या उसको बड़ा किया गया है या उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगाए गए हैं, तभी हम शायद जाके कहीं ना कहीं लोगों को सचेत कर पाएंगे। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये इन्फेक्शन भी प्रमोट कर रहा है, रेजिस्टेंस भी प्रमोट कर रहा है और हार्मफुल कार्सिनोजेंस भी हमारे फूड चेन में एंटर करवा रहा है। जी बिल्कुल सर, राहुल चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं। राहुल जी, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि इसका विकल्प जो बताया गया था कि हर्बल तरीके आ रहे हैं, हर्बल कुछ दवाइयाँ बनाई जाएंगी जिनको अगर उसको इंजेक्ट किया जाएगा हेंस के अंदर, मुर्गे के अंदर, चिकन के अंदर, तो ऐसे में ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर वो काम करेंगे और ये विकल्प होंगे। विकल्प होंगे किस चीज़ के? विकल्प होंगे ये इस चीज़ के कि जो लोग जल्दी से बड़ा करना चाहते हैं और अगर वो लोग नहीं रुक रहे हैं तो उसकी जगह पर अब हर्बल तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो राहुल जी, इसको या तो पूरी तरीके से रोका जा सकता है, हाँ या नहीं, या फिर इसके लिए कोई विकल्प लाने की भी ज़रूरत है ही है? सर अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ सर, आप अपना अनम्यूट कर लीजिएगा। सर अनम्यूट, सर आप जी, आवाज आ रहा है बिल्कुल क्लियर सर। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि जहां पे चारों तरफ युद्ध की खबरें चल रही हैं इंडिया के सब्जेक्ट पर भी, तभी अब तक और दूसरे ऊपर एक उपकार का काम की गई। अब जो उससे इसी विषय को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। जी सर, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए, ये जानने की जरूरत है और एक इतने डिबेट में मैं पहली बार इस चीज का खुलासा कर रहा हूँ। बहुत दिन रिसर्च करते हो गया लेकिन आज सवेरे ही मेरा रिसर्च पूरा हुआ जो बताने जा रहा हूँ वर्ल्ड इंडिया को। श्योर सर, श्योर सर। हम एक मकाम पे पहुंचे हैं कि हमको चिकन और दूध जैसी चीजों पे हम सवाल उठाना चाहते हैं, क्योंकि जिस पशु का हम चिकन मटन खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, हमने कभी भी पशु की जांच नहीं कराई कि उसको कौन सा इन्फेक्शन है और डायरेक्ट पशु विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों का भी मानना है कि मनुष्य से 10 गुनी पावर की दवाइयां पशु खाते हैं। जी सर। और हम कभी भी चिकन खाते समय, मटन खाते समय, एग खाते समय उन पशुओं की, जानवरों की जांच नहीं करते जिनका हम चिकन खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। और हम वो डायरेक्ट हमारे अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है और साथ में हम शराब आदि चीजें सेवन करते हैं जो कि अल्कोहल डायरेक्ट हमारे ब्लड को ब्लड में इंट्रोड्यूस होता है। तो ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य को इतना हानिकारक बनाती है, ये मौत को सामने खड़ा होते हुए देखने के लिए मजबूर करती है। अब आपका एक बहुत सवाल था कि इसको विकल्प के तौर पे क्या करें। पहले कुछ आयुर्वेदिक हर्बल से लेकर के जैसे पुनर्निर्माण और इस पे कुछ फार्मेसी थी जिन्होंने इंजेक्शन पे काम किया था, बट वो मेरा ये मानना है कि इसके इंजेक्शन कामयाब नहीं हुए और ये कामयाब बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास चिकन का आयुर्वेदा में बहुत अच्छा, चिकन मटन इन सब का हमारे पास बहुत अच्छा विकल्प है। सब्स्टिट्यूट इतने हैं कि अगर हम डेली उसको खाने में यूज करें तो चिकन से कई गुना ज्यादा बीमारी से लड़ने की क्षमता और चिकन से कई गुना ज्यादा इनको पावर इससे आएगी। जो हमारे पास आयुर्वेदिक चीजें खाने पीने में जैसे मक्खन है, पनीर है, चिकन खाने के बाद भी देखिए, चिकन मेरा ये मानना है कि चिकन के जितने रूप है वो 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे और 108 घंटे लेते हैं डाइजेशन में, तब तक हम और खाना खा लेते हैं। तो साथ में जो हमारा शुद्ध खाना है वो भी इस अशुद्ध खाने के साथ मिल करके शरीर में रोगों को बढ़ाने की क्षमता पैदा कर देता है। जी सर। अब हमारे पास चूंकि इसके विकल्प बहुत है, आप देखिए प्रोटीन लेना है तो दालें हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी है, पनीर बहुत अच्छा है, घर का मक्खन खाना शुरू करें। हम ऐसे पशुपालन को इजाद करें जो ऑर्गेनिक परफ्यूम वगैरह, ऑर्गेनिक खेती का पैदा हुआ राशन हरा चारा खाएं, तो इन एंटीबायोटिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इनकी इतनी बड़ी कैपेसिटी है, हमने बहुत ज्यादा काम किया है इस पे। और
हम हर प्रोग्राम में यही बताते हैं लोगों को कि देखिए एक चीज है समझ लीजिए कि जो आप घर में अपने लिए खाना प्रयोग करते हैं वही पशुओं के खाने का प्रयोग करें। अपने लिए हम जितना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं उतना ही पशुओं का ध्यान रखना चाहिए, क्यों एंटीबायोटिक की जरूरत पड़े जी सर। तो इसलिए बेसिकली मेरा ये मानना है कि जो हम अपने लिए खाने का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से पशुपालन पोल्ट्री फार्म जितने भी है इनके खाने पीने की जो चीजें हैं बरसीन है चारा है हरी चीजें हैं इनको ऑर्गेनिक उगाना चाहिए, गाय के गोबर की खाद से उगाएं और जितना आप इनको खिलाएंगे उतना ही इनके अंदर बल वृद्धि होगी। बिल्कुल सर। और जब इनके अंदर बल वृद्धि होगा खाना ही है तो इस तरह के खाने को खिला के चिकन का प्रयोग करें। बिल्कुल सर। देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ है, एक और चीज़ क्लैरिटी करते हुए चलेंगे कि हम किसी भी तरह से नॉन वेजिटेरियंस के अगेंस्ट नहीं है या फिर वेजिटेरियंस के लिए कोई किसी तरीके का ये मुहिम टाइप नहीं है। ये दरअसल हमारा जो कंसर्न है वो बहुत स्पेसिफिक है। हमारा कंसर्न ये स्पेसिफिक है राहुल भार्गव जी, कंसर्न दरअसल ये है कि यंगस्टर्स के बीच मोस्टली और मेनली मैं बात करूँ तो यंगस्टर्स के बीच बहुत नॉर्मलाइज है कि हाँ चिकन खाने से हमको बहुत ज़्यादा इसके फायदे हैं, बहुत ज़्यादा फायदे। जो जिम कर रहे हैं वो भी चिकन को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं कि हाँ ठीक है ये बॉडी बिल्डिंग में भी फायदेमंद है तमाम तरीकों से। लेकिन ये कितना बड़ा इल्यूजन है और इस चीज़ को हम महसूस भी कर पा रहे हैं कि जब इस तरीके से एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट किए जाना और भी तरह तमाम तरीके की चीज़ें करके, अगर आप जैसे कि हमने पहले सुना था कि लौकी जो आती है, अगर वेज वालों के लिए बात करें लौकी को भी सर बढ़ाया जाता था इंजेक्शन, उसमें कुछ इंजेक्ट करके लौकी को भी बड़ा करना, ऐसे ही ये चिकन में भी हो रहा है। लेकिन क्योंकि इल्यूजन दिया जा रहा है कि हाँ ये आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन दरअसल कितना ज़्यादा ये आपको आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है इसको लेकर बातचीत है, इसको लेकर चर्चा है। तो राहुल भार्गव सर मैं यही जानना चाहता था बस सर। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, इम्पॉर्टेंट इस समय हम किसी की फूड हैबिट्स को चेंज नहीं करना चाहते, हम देश में साफ सुथरी चीजें लाना चाहते हैं। आप देखिए कोई भी चिप्स का पैकेट हो जिसमें फैट कंटेंट लिखा होना आवश्यक है, इसमें क्या परेशानी है कि हम उसमें शुगर कंटेंट चाहते हैं। उसी प्रकार से हम कोई भी अगर मांस मछली का सेवन कर रहे हैं तो किस तरीके से वो बनी है और क्या चीजें उसमें लगाई गई है और उसकी मात्रा का मापदंड क्या है ये पता होना जरूरी है कि इसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा एडवर्स रिएक्शन से इतने गुना कम है या एक्सेप्टेड लिमिट में है। तो हमारा ये कहना एंटीबायोटिक कौन सी यूज करी है कौन सी नहीं यूज की गई है सो दैट वो हमारी फूड चेन में एंटर करके हमारे में रेजिस्टेंस पैदा ना करे। देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि ये एक फैड है, एक ये फैन बन गया है, एक ये प्रचलन बन गया है कि मैं चिकन खाऊंगा तो मेरी मसल ज्यादा अच्छी बन जाएगी। हाँ जरूर अच्छा बुरे की परिभाषा हम बाद में जाएंगे, बट क्या वो सेफ है? हम ये बात करें कि क्या वो मैंगो जो आ रहा है जो चमकता हुआ आपको दिख रहा है रसीला दिख रहा है कि वो कार्बोनेट से उसको राइप नहीं किया गया? इंपॉर्टेंट यहाँ पे फूड सेफ्टी की बात है रादर देन कौन से फूड की बात है। वो एक अलग डिबेट है कि कौन सा खाया जाए या कौन सा नहीं खाया जाए। वी आर टॉकिंग अबाउट फूड सेफ्टी और फूड सेफ्टी हमारे देश में स्ट्रेंथन करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। ये हम मांग करते हैं, ये हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि जो आप खा रहे हैं वो किस प्रकार से बना हुआ है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, उसकी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स क्या है, ताकि लोग चूज कर पाए बिटवीन हेल्दी एंड नॉन हेल्दी और जो प्रोड्यूस कर रहा है उस पर प्रेशर रहे कि वो हेल्दी तरीके से उसे प्रोड्यूस करे। क्योंकि एंटीबायोटिक से हम देख रहे हैं फूड चेन सप्लाई चेन वाटर में हमारे एंटीबायोटिक की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तभी आप देखिए पिछले 10 साल पहले एनडीएम की वजह से हमारा कितना झुका था क्योंकि लोगों ने बोला कि एनडीएम क्लेबशेला में हमारे देश में उत्पन्न हुआ जबकि वो वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। और उसमें कहीं ना कहीं पशुपालन में एंटीबायोटिक का खुला यूज करना, इरेशनल अनजुडिशियस यूज करना एक बहुत बड़ा कारण। बिल्कुल सर। और सर एक और चीज़ मैं देखिए बहुत प्रैक्टिकल लेवल पर बात कर रहा हूँ सर कि अभी एक कार्यक्रम है ठीक है, इस कार्यक्रम के बाद शायद ऐसा हो कि एक दो जगह टीम पहुँचती हैं जांच करती हैं और ऐसा समय समय पर होता है, एक साल में एक बार हो गया, दो साल में, हम लोग सुनते रहते हैं सर खबरों में भी कि 6 वहाँ पर दुकानें थी पोल्ट्री शॉप्स थी वहाँ पर जाँच की गई, वहाँ से नमूने इकट्ठे किए गए, सैंपल्स लिए गए, ऐसा होता रहता है। संसदीय कमेटी ने भी एक बार अपनी रिपोर्ट जो थी वो सरकार को सौंपी थी और सीएससी भी अपनी रिपोर्ट सौंपता रहता है, आईसीआर भी अपनी रिपोर्ट सौंपता रहता है, लेकिन सर एक ठोस सॉल्यूशन की जरूरत है मुझको ऐसा लगता है। बिल्कुल, इसमें लोगों को जागरूक करना जैसे आप कर रहे हैं, संशोधन लाना, कड़ी तरीके से जो रूल्स एंड नियम है उनका पालन करना, ये आवश्यकता है, ये मैंडेटरी है। अब पोस्ट कोविड में हम एंटीबायोटिक यूसेज और नहीं देख सकते लोगों और रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हमारे पास इतनी एंटीबायोटिक इतनी तेजी से नहीं बन रही जितनी तेजी से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है बैक्टीरियाज में।
तो अब हमको सचेत होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए, और जो लोग लॉ ऑफ द लैंड फॉलो नहीं कर रहे उन पर कड़ा कड़ा नियम लगा के उनको दोषी पाकर उनको दंड देना आवश्यक है, सो दैट एक पूरा सप्लाई चेन में ये मैसेज जाए कि रूल्स आर इंप्लीमेंटेड। बिल्कुल राहुल चतुर्वेदी सर, काफी लोग ऐसा सोच रहे हैं, मैंने ये हालांकि जो पैकेज था उसमें भी ये बात थी कि काफी लोग सोचते हैं कि ठीक है अगर चिकन हानिकारक है किसी भी तरीके से उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्ट किया जा रहा है तो ये दरअसल उनके लिए खबर है जो दरअसल चिकन खाते हैं, लेकिन हमने ये पढ़ा है कहीं कि जो चिकन नहीं भी खाते हैं ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं घूम कर हार्मफुल है। सर देखिए बहुत बहुत अच्छा सवाल है। अभी हमने पीछे लगभग हम 10 साल से इस मुहिम से हैं कि आप नॉनवेज को खाने के लिए हम मना नहीं करते, हम लोग इतने पेशेंट देखते हैं, बस हम कहते हैं कि कोई चीज अगर आप अपनी रोटी शुद्ध खाना चाहते हैं तो चिकन भी शुद्ध खाने की कोशिश करिए। पीछे जो लौकी की बात आपने की है इस पे इंजेक्शन लगा करके और ये कम से कम एक रात में 2.5 गुना बड़ा कर देते थे लोग, ये तो अब थोड़ा सा कुछ समय से सरकारों की मुहिम चली है। खुरदरी जो लौकी होती है वो इंजेक्शन वाली होती है और जिसके ऊपर सफेद रुएं जम जाते हैं, मुझे लगता है कि मुझे पहचान बताते चलना चाहिए, तो वो चिकनी होती है उसके ऊपर रोए होते हैं, वो सब्जी उस पर इंजेक्शन नहीं होता है। अब हम आते हैं नॉन वेज पे, तो देखिए दो बातें हैं कि सरकार की मुहिम एक दिन नहीं चले, न्यूज मीडिया जो समाचार दिखा रहा है वो एक दिन नहीं होना चाहिए, अब उसको कंटिन्यू अगर आप करते तब अवेयरनेस आती है। और आप देखिए कि मीडिया अगर किसी मीट का प्रचार दे देता है तो आदमी उसी पे लग जाता है, इसका मतलब मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवेयरनेस। तो आप अवेयरनेस में जो मीट के कंटेक्ट होते हैं उसको ये दिखाइए कि ये पूरे सरकारी मानकों पे शुद्ध है, उसके बाद आप उस विज्ञापन को लें। और जगह जगह मीडिया को ये विज्ञापन फैलाना चाहिए, मीडिया को न्यूज देनी चाहिए कि हर जगह हर जितने भी मुर्गी फार्म है, बकरा फार्म है, मटन चिकन फार्म है, इन सब में ये लिखा होना चाहिए बाहर कि हमारा मुर्गा हमारा चिकन इंजेक्शन रहित है। अब देखिए सिप्लेक्टिन डेकाग्राम जैसे इंजेक्शन लगा करके वजन को 2-2 गुना 1.5 गुना कर देते हैं, मुर्गा 20 दिन का है और वो लगता है 2 महीने का है, तो ये एक जघन्य अपराध है। ये समझिए कि अपने बच्चों को अपने पुत्रों को मारने के बराबर ये लोग मुर्गी फार्म वाले काम कर रहे हैं, बकरी फार्म वाले। एग्जैक्टली सर, मीट खाना मना नहीं है लेकिन मीट को ठीक से खाइए जो शरीर में शुद्धता से जाए, जैसे हम रोटी सब्जी हरी सब्जी खाना चाहते हैं। डॉक्टर राहुल जो बता रहे थे ना कि भी ये बिल्कुल अपराध की सीमा से बाहर है, तो इन लोगों को तो फांसी लटका देना चाहिए, क्योंकि दूसरों के पुत्र और दूसरों को जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये फांसी का अपराध है, वो जानबूझ करके चिकन और मटन को बेच रहे हैं। इसमें सरकार का भी योगदान होना चाहिए कि सरकार समय बिल्कुल सर रोक लगाई जानी चाहिए और इस पर लगाम लगाने की भी आवश्यकता है। राहुल चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और राहुल भार्गव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कम शब्दों में जिस तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की, जिस तरीके से हमारे दर्शकों के समक्ष आपने पेश किया कि इसके क्या क्या नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं, तो कैसे हमको बचना है और कैसे उन पोल्ट्री फार्म्स को जो लोग चिकन को सप्लाई करते हैं, जो लोग चिकन को सेल करने का काम करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उन पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है, उन पर क्या क्या किस तरीके से हम उसको काबू में कर सकते हैं, ये आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आवाज़ की टीम ने आज अपना काम किया है, आपको जागृत करने का काम किया है, आपको जागरूक करने का काम किया है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ अंधेरा है जहाँ एक किरण की आवश्यकता है वहाँ आवाज़ की टीम हमेशा उजाला करती रहेगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया।